हेलो दोस्तों, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो आजकल बॉलीवुड के टिपिकल और क्लीशे फिल्में छोड़कर अच्छा और यूनिक कंटेंट देखना भी पसंद करते हैं? ऑनेस्टली आई एम नॉट श्योर। हालांकि वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजीज और आर्ट फॉर्म्स इवॉल्व होते रहते हैं, साथ ही कहानियां और कहानियों को कहने के तरीके भी बदल जाते हैं, लेकिन बॉलीवुड पिछले कई सालों से टिपिकल फिल्में बनाता आ रहा है और शायद बनाता रहेगा। जहां पर एक और नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लोगों को अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, वहीं पर बॉलीवुड अपना घिसा पिटा फॉर्मूला यूज कर करोड़ों छापे जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद बॉलीवुड में कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने ऐसी बेहतरीन फिल्में बनाई है जिसमें ना ही यूजलेस आइटम सॉन्ग्स है ना ही मसालेदार एक्शन सीक्वेंसेस। ये फिल्में अपने आप में एक प्योर सिनेमैटिक आर्ट फॉर्म्स है जिन्हें दुनिया भर में सराहा गया है। कोई भी बड़ा स्टार या बड़ा बजट ना होने के बावजूद भी इन फिल्मों ने सिर्फ अपनी कहानी और बेहतरीन डायरेक्शन के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है। तो अगर आप ऐसी अनोखी फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बॉलीवुड की 10 ऐसी फिल्में जो अपने आप में यूनिक है, हटके है और बॉलीवुड की टिपिकल फिल्मों से बिल्कुल अलग है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, स्वदेश। स्वदेश कहानी है एक भारतीय वैज्ञानिक की जो अमरीकी अंतरिक्ष संस्था नासा में काम कर रहा होता है, और एक बार जब वो अपने देश अपने गांव वापस लौटता है तो यहाँ की कंडीशन और यहाँ के लोगों के हालात देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया है शाहरुख खान ने और इसे डायरेक्ट किया है आशुतोष कुवारिकर ने, जिन्होंने लगान और जोधा अकबर जैसी बेहतरीन फिल्में भी बनाई है। इस फिल्म में ग्रामीण भारत का और यहाँ पर रहने वाले लोगों का सच्चा और सुंदर वर्णन किया गया है। फिल्म के सारे कलाकारों ने इसमें बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी है, साथ ही एआर रहमान का अमेजिंग म्यूजिक और जावेद अख्तर के लिरिक्स आपके दिल को छू जाएंगे। अगर आप एक हिंदुस्तानी हैं तो ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है। नंबर 9, न्यूटन। न्यूटन इज एन इंडियन ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे डायरेक्ट किया है अमित मसूरकर ने। न्यूटन कहानी है एक सरकारी अफसर नूतन कुमार की, जिन्हें छत्तीसगढ़ के एक नक्सल कंट्रोल्ड इलाके में इलेक्शन की ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है राजकुमार राव ने, और साथ ही फिल्म में पंकज त्रिपाठी, रघुबीर यादव, संजय मिश्रा और अंजलि पाटिल की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। यह फिल्म नक्सली इलाके से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण सोशो पॉलिटिकल मुद्दे पर बात करती है। इस फिल्म को 2018 में बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी कैटेगरी में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही ये फिल्म 90th ऑस्कर अवार्ड के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री भी थी। नंबर 8, अंधाधुन। अंधाधुन इज अनदर ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म ऑन दिस लिस्ट जिसे डायरेक्ट किया है श्रीराम राघवन ने। अंधाधुन कहानी है एक पियानो प्लेयर की जो अंधा होने का ढोंग कर रहा होता है और गलती से एक दिन एक फिल्म एक्टर के मर्डर का विटनेस बन जाता है। उसके बाद आगे जो ड्रामा होता है वो आप लोग फिल्म में ही देखिएगा। इस फिल्म में ड्रामा है, एक्शन है, कॉमेडी है, क्राइम है, यानी इस फिल्म में वो सब कुछ है जो आप एक फिल्म में देखना चाहते हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है आयुष्मान खुराना ने, और साथ ही तबू और राधिका आप्टे जैसे बेहतरीन कलाकार भी है। इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी, बेस्ट एक्टर फॉर आयुष्मान खुराना और बेस्ट स्क्रीन प्ले का नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। नंबर 7, शिप ऑफ थीसियस। जितना अनोखा इस फिल्म का नाम है उतनी ही अनोखी इस फिल्म की कहानियां भी है जिन्हें डायरेक्ट किया है आनंद गांधी ने। इस फिल्म में एक ब्लाइंड फोटोग्राफर, एक जैन मंक और एक इंडियन स्टॉक ब्रोकर की तीन अलग अलग कहानियां बताई गई है। यह फिल्म आइडेंटिटी, जस्टिस, ब्यूटी और डेथ से रिलेटेड सवालों को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म में नीरज कबी, सोहम शाह और एदा अलखाशेफ की प्रमुख भूमिकाएं हैं। इस फिल्म को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर फिल्म क्रिटिक्स द्वारा काफी सराहा गया है। साथ ही इस फिल्म को 2013 में बेस्ट इंडियन फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। अगर आप कुछ अलग या यूनिक कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा। नंबर 6, अवेनसडे। अवेनसडे 2008 की एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है नीरज पांडे ने। ये कहानी है रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर प्रकाश राठौड़ की, जब वो अपने करियर के सबसे खास केस के बारे में बताते हैं जब उन्हें पता चलता है कि मुंबई में किसी ने अलग अलग जगह पर बॉम्ब्स प्लांट किए हैं। उसके बाद पुलिस की टीम बॉम्ब्स और जिसने बॉम्ब्स प्लांट किए हैं उसको ढूंढने के लिए जी जान से लग जाती है। फिर एक एक कर उनके सामने जो सस्पेंस रिवील होते हैं उसे आप लोग फिल्म में ही देखिए। इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, जिमी शेरगिल और अमीर बशीर जैसे बेहतरीन कलाकारों ने काम किया है। काफी छोटे बजट पर बनने के बावजूद भी यह फिल्म लोगों को काफी पसंद आई और बॉक्स ऑफिस पर भी सुपरहिट साबित हुई। नंबर 5,
तुम्बाड़ एक पीरियोडिक हॉरर सस्पेंस फिल्म है जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग माइथोलॉजिकल कहानी पर आधारित है। इस फिल्म में पृथ्वी देवी के एक कोख है और देवी की पहली संतान हस्तर देवताओं द्वारा शापित है कि उसे कभी कोई याद नहीं करेगा, लेकिन एक दिन गांव वाले उसी हस्तर का मंदिर बना देते हैं। ये कहानी है विनायक राव की, जो पुराने वाड़े में छुपा हुआ खजाना ढूंढने निकलते हैं। फिर आगे जो कुछ घटित होता है वो आपको हैरान कर देगा। इस फिल्म में सोहम शाह, मोहम्मद समद, अनिता दाते की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राही अनिल बर्वे और आदेश प्रसाद ने। इस फिल्म के विजुअल्स, प्रोडक्शन डिजाइनिंग और साउंड डिजाइनिंग टॉप क्लास है और इस फिल्म के साउंड ट्रैक्स आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मेरा दावा है कि ऐसी फिल्म आपने अभी तक नहीं देखी होगी। नंबर 4, ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित एक क्राइम फिल्म है जो 1993 में हुए मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट की कहानी बताती है। ये फिल्म हुसैन जैदी की किताब ब्लैक फ्राइडे द ट्रू स्टोरी ऑफ द बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट पर आधारित है। हालांकि अनुराग कश्यप अपनी देवड़ी और गैंग्स ऑफ फोसीपुर जैसी फिल्मों के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, लेकिन इस फिल्म को लेकर उनका रियलिस्टिक और टू द पॉइंट अप्रोच इस फिल्म को सर रियलिज्म की एक नई ऊंचाई पर पहुंचा देता है। इस फिल्म में के मेनन, आदित्य श्रीवास्तव, पवन मल्होत्रा और किशोर कदम जैसे एक्टर्स ने लाजवाब काम किया है। हालांकि इस फिल्म के सेंसिटिव टॉपिक को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फिल्म पर 2 साल के लिए स्टे ऑर्डर लगा दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को रिलीज की परमिशन दे दी थी। नंबर 3, उड़ान। वैसे तो बॉलीवुड में कमिंग ऑफ एज जॉनर की फिल्में ज्यादा बनती नहीं है और आज तक जितनी भी बनी होगी उसमें विक्रमादित्य मोटवानी की ये फिल्म स्टैंड आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करती है। उड़ान कहानी है रोहन की, जो बोर्डिंग स्कूल से एक्सपेल होने के बाद अपने फादर, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, उनके साथ रहने के लिए घर चला जाता है। जहां एक और रोहन अपना राइटर बनने का सपना पूरा करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर उसके पिताजी उसे अपने फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं। उसके बाद दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है उसे डायरेक्टर ने बखूबी पर्दे पर उतारा है। इस फिल्म की स्क्रीनिंग कांस फिल्म फेस्टिवल जैसे दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में हो चुकी है और साथ ही ये फिल्म कई सारे नेशनल और फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीत चुकी है। इस फिल्म में रजत बामेजा और रोनित रॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई है और साथ ही फिल्म में राम कपूर और आनंद तिवारी जैसे एक्टर्स भी हैं। तो अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी होगी तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा। नंबर 2, द लंच बॉक्स। ये कहानी है हाउसवाइफ ईला की, जो अपने वर्किंग हस्बैंड के लिए टिफिन बनाती है, लेकिन डब्बे वाले के एक छोटी सी गलती की वजह से वो टिफिन किसी और को चला जाता है। फिर टिफिन में से चिट्ठी के थ्रू दोनों में जो बातें होने लगती है उसके वजह से उन दोनों में एक इंटरेस्टिंग रिलेशन तैयार हो जाता है। जितनी यूनिक इस फिल्म की कहानी है उतने ही यूनिक है इस फिल्म के कैरेक्टर्स। इस फिल्म में इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और निमरत कौर जैसे इंडिया के बेस्ट एक्टर्स ने काम किया है और इसे डायरेक्ट किया है रितेश बत्रा ने। ये फिल्म इंटरनेशनली इंडिया की आज तक की सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है, तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा। इससे पहले कि मैं नंबर 1 स्पॉट रिवील करूं, मैं कुछ ऐसे फिल्मों के नाम बताना चाहूंगा जो इस लिस्ट पर जगह तो नहीं बना पाई, लेकिन फिर भी वो अपने आप में बहुत ही यूनिक और बेहतरीन फिल्में हैं, जैसे रॉकेट सिंह, पान सिंह तोमर, गैंग्स ऑफ वसेपुर, आंखों देखी, 1:40 की लास्ट लोकल, कहानी, घोसला का घोसला, देवड़ी और पीकू। नंबर 1, मसान। मसान कहानी है वाराणसी स्थित कुछ युवाओं की, जो अपनी पर्सनल लाइफ और सोशल स्टिग्मा के बीच में फंस कर रह जाते हैं। एक और है देवी, जिसका प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशन एक्सपोज होने के बाद उसको और उसके पिताजी को पुलिस और समाज की तरफ से कई तरह की हरासमेंट सहनी पड़ती है। तो दूसरी तरफ है दीपक और शालू की लव स्टोरी, जिसे इंटरकास्ट मैरिज जैसे सोशल स्टिग्मा से होकर गुजरना पड़ता है। इस फिल्म के विजुअल्स, डायरेक्शन, राइटिंग और साथ ही सारे कलाकारों के एक्टिंग परफॉर्मेंसेस काफी लाजवाब है, जो इस फिल्म को ट्रूली नंबर 1 बनाते हैं। इस फिल्म में ऋचा चड्ढा, संजय मिश्रा, विकी कौशल और श्वेता त्रिपाठी की प्रमुख भूमिकाएं हैं और इसे डायरेक्ट किया है नीरज घेवान ने। इस फिल्म को क्रिटिक्स और लोगों ने काफी पसंद किया और साथ ही ये फिल्म दुनिया के सबसे मशहूर कांस फिल्म फेस्टिवल में भी अपना लोहा मनवा चुकी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बॉलीवुड की फिल्में जिन्होंने मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सिनेमा से कुछ हट कर करने की और इंडियन सिनेमा को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश की। हालांकि ये हमारी बदनसीबी है कि इन फिल्मों को उतना अटेंशन नहीं मिलता जितना एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म को मिलता है। ये हमारा फर्ज है दोस्तों कि हम ऐसी फिल्में भी देखें जो इंडियन सिनेमा को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश कर रही है। तो क्या आप हमारी लिस्ट से सहमत हैं या फिर आपको लगता है बॉलीवुड की कुछ और भी ऐसी फिल्में हैं जो इस लिस्ट पर होना डिजर्व करती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसा कॉन्टेंट और बनाते रहे और आपके सामने लाते रहे। तब तक के लिए गुड बाय।